की जयंती है, और दूसरा जैसे आप केवल लक्ष्मीबाई को जानते हैं, लेकिन उनके साथ साथ में समकक्ष उनके बहुत बहुत पहले की बात है, वो अठारह की बात है, लेकिन ये दुर्गावती जी का जो है 500वीं जन्म शताब्दी लोग मना रहे हैं। हमारे विद्यालय में उतनी ज्यादा हलचल नहीं है, विद्यालय में प्राध्यापित रहे योजना वरुण, ठीक है ना, उनके आपको पता है शिशु मंदिर की स्थापना जो है गोरखपुर से हुई है, 1952 में और पहला शिशु मंदिर स्थापना हुई है, उसके बाद इस जिले में सीधी जिले में उन्होंने खुद रोशनलाल जी ने और शिशु मंदिर की स्थापना की है, और ऐसे बाद में धीरे धीरे पूरे रीवा में और पूरे देश में उन्होंने और शिशु मंदिर की स्थापना की है। बीच में 1977 में आपको नई जानकारी होगी कांग्रेस का शासन था, और उस समय वीसा या इमरजेंसी के साथ साथ संस्कारों को सहेज भी रखे हुआ है, और एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर टीचर्स नहीं होते, यहाँ पर होते हैं आचार्य और दीदी, ऐसा विद्यालय जहाँ पर क्लासमेट नहीं होते, यहाँ पर होते हैं भाई और बहन। और आज हम हैं इसी विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधान आचार्य जी के साथ, मनीष खरे जी के साथ, जिसमें आज इस विद्यालय ने एक संचालन किया जो रही पर, उसके बारे में सर हमारे लिए दर्शकों को प्रकाश में देंगे। स्वागत है, धन्यवाद भाई साहब। वंदे विद्या भारती। आज विद्या भारती महाकौशल प्रांत जबलपुर के मार्गदर्शन में माननीय रोशनलाल जी सक्सेना, जो शिशु मंदिर के पितृपुरुष हैं, संस्थापक सदस्य हैं, जनक हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 12 फरवरी 1959 में रीवा की एक धर्मशाला में शिशु मंदिर की स्थापना की, शिशु मंदिर खोला, जो आज जाकर के एक बट वृक्ष का रूप धारण किए हुए, और हमारे संपूर्ण सरस्वती शिशु मंदिरों में हजारों की संख्या में भैया बहन विद्या अध्ययन कर रहे हैं, हजारों आचार्य दीदी विद्या अध्ययन करा रहे हैं। तो उन महान विभूति की आज जन्म जयंती है, माननीय रोशनलाल जी सक्सेना 5 अक्टूबर, तो उनकी जन्म जयंती के रूप में संपूर्ण नगर में जहाँ जहाँ पर भी सागर जिले में और महाकौशल प्रांत में जहाँ भी शिशु मंदिर हैं, उन सभी विद्यालयों से घोष दल के साथ एक पथ संचलन का आयोजन किया गया और विद्यालय स्तर पर उनकी जन्म जयंती मनाई गई। साथ ही आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी की भी 500वीं जयंती है, तो उनको भी स्मरण करते हुए सभी भैया बहनों ने, आचार्य परिवार ने उनकी भी जन्म जयंती मनाई और उत्साहपूर्वक जन्म जयंती विद्यालयों में मनाई गई। इन सबसे प्रेरणा मिलती है हम सभी को कि जैसे हमारे पितृपुरुष माननीय रोशनलाल जी सक्सेना, आपने अपना संपूर्ण जीवन संघ के लिए और विद्या भारती योजना के लिए दिया है, तो इसी प्रकार के भाव सभी नागरिकों में आए, और वीरांगना रानी दुर्गावती से हम सभी और मातृ शक्तियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आत्मरक्षा के भाव, वीरांगना के भाव और देश के लिए मर मिटने के भाव भी हम सभी के अंदर आए। इस भाव को लेते हुए आज दोनों जन्म जयंती विद्या भारती महाकौशल प्रांत जबलपुर के मार्गदर्शन में आज सागर जिले के सरस्वती शिशु मंदिर मोती नगर विद्यालय, जो कि यह सागर जिले का एक जिला केंद्र का विद्यालय है, इस जिला केंद्र के विद्यालय से 23 विद्यालय नगरीय शिक्षा के संचालित हैं और 80 विद्यालय ग्रामीण शिक्षा के संचालित हैं और 50 संस्कार केंद्र संचालित हैं, तो इस जिला केंद्र के विद्यालय से सभी विद्यालय संचालित हैं, और समस्त जिला में आज माननीय रोशनलाल जी सक्सेना और रानी दुर्गावती की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ और घोष दल के साथ मनाई गई।